पीछे किस और कहां से? लेकिन एक शर्त। क्या? तुम बीजी से यह कहोगे कि चोरी तुमने की। अरे चोरी? देखो पता, तुम बीजी से यह कहना कि ये रुपए तुम जुए में हार गए थे, क्योंकि जुए की बात तो बीजी सह लेंगी लेकिन तवायफ की बात वो कभी नहीं सह सकेंगी। बोलो मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। पूरे 50,000। हाय हाय, मैं वारी जाऊं? वारी बाद में जाओ, पहले वो नोट निकालो। हाँ, ये लो। अब एक बात बता लीला भाई, तुमने मेरे पिताजी का नाम क्यों लिया था और ये क्यों कहा था कि हवेली वालों ने तुम्हारा ही घर ताक रखा है? ताका नहीं हुजूर, लूटा है। तुम्हारे पिताजी मेरी तुलसी को उठा ले गए थे। तुलसी कौन थी? तुलसी भी एक चंपा कली थी सरकार। फिर क्या हुआ? लड़की बहुत बेवकूफ थी सरकार, उनकी बातों में आ गई और जब शादी से पहले उनके यहां बच्चा हो गया तो कुंवर जी ने आपकी माता जी से शादी कर ली। अच्छा, कहां है वो बच्चा? लौंडी को ये तो नहीं मालूम सरकार। कमाल करती है बीजी आप, अगर नौकरों ने चोरी नहीं किया है तो क्या अजय या मैंने किया? प्रताप, तुम जानते हो हमारे नौकर चोर नहीं है। मैं क्या जानू? जी, वो 50,000 रुपए मैंने लिए थे। तुम्हारा मतलब अपने ही घर में चोरी की तुमने? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? एक जुआ खेला था पीजी, उसी में हार गया। प्रताप, तुम बाहर जाओ। तुम्हें पालने में मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई शायद। तुम्हें इस घर में लाने से पहले मैंने तुम्हारी मां की याद को वचन दिया था कि तुम्हें प्रताप से ज्यादा प्यार दूंगी, और प्रताप की कसम मैंने अपना वचन निभाया। लेकिन आज तुमने मुझे अपनी मां के सामने झूठा बना दिया। मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग कर दी तुमने। मुझे 50,000 जाने का दुख नहीं अजय, तुम्हारे खो जाने का दुख है। तुम जुए में रुपए नहीं आ रहे, मुझे हार गए, मुझे हार गए। तुमने चोरी कबूल क्यों नहीं की? देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। और क्या सोच रहे हो? प्रताप, तुम जानते हो कि तुमने आज मुझे बीजी की नजरों से गिरा दिया। तुम मां के निगाहों से गिर नहीं सकते। इतना बता दो, तुम इस हवेली के क्या लगते हो कि मां तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है? मैंने तुम्हारी मां की याद को वचन दिया था कि मैं प्रताप में और तुम में कोई फर्क नहीं करूंगी। फर्क तो आपने जरूर किया बीजी, प्रताप से आपने मुझे बहुत ज्यादा चाहा। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से भी चाहा और तुम्हारी मां की तरफ से भी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसकी मेहरबानियों का सूद है। कर्ज तो कभी अदा हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो गुनाहगारों की तरह इस अंधेरे में
जो कर बैठी थी। माँ से बेटे की बातें छुपानी नहीं चाहिए अजय। मेरी मानो, बीजी को तमाम बातें साफ साफ बता दो। किसी दिन ऐसी उलझन हो जाएगी तुम संभाल नहीं सकोगे। नहीं नहीं नहीं, बीजी को यह सुन के बहुत दुख होगा, मैं उनसे नहीं कह सकता। तो फिर मैं कह दूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। गीता जी, भांग के पेड़े कहाँ हैं? पेड़े? हाँ, ये पेड़े भांग के? हाँ भांग के।
अपनी